हेलो गाइस, आज हम होंडा एलिवेट के कुछ वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। हमने यहाँ सिर्फ इन वेरिएंट्स के डिफरेंसेस दिखाए हैं, ठीक है। जो कुछ भी सेम है वो सब नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, ठीक है। होंडा एलिवेट SVMT 11.04 लाख है इसकी प्राइस। होंडा एलिवेट VMT 12.15 लाख है इसकी प्राइस। होंडा एलिवेट VCVT 13.25 लाख है इसकी प्राइस। और होंडा एलिवेट VXMT इसकी प्राइस है 13.54, ठीक है। माइलेज की बात करी जाए तो सिर्फ एलिवेट VCVT का 16.92 है, बाकी सबका 15.31 KMPL है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो बाकी गाड़ियों का मैनुअल है 6 गियर्स के साथ में, और होंडा एलिवेट VCVT का ऑटोमेटिक है, CVT गियर्स, पैडल शिफ्ट और स्पोर्ट्स मोड के साथ में। व्हील्स की बात करी जाए तो हमें सब गाड़ियों में स्टील व्हील्स मिलते हैं, पर होंडा एलिवेट VXMT में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर्स की बात करी जाए तो हमें सारी गाड़ियों में 215 mm विड्थ के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, पर इस गाड़ी में हमें 215 mm विड्थ के 55 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। फ्रंट में और रेयर में भी यही टायर्स मिलते हैं। AEB हमें बाकी गाड़ियों में मिलता है, होंडा एलिवेट SVMT में नहीं मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनराइजर हमें बाकी गाड़ियों में मिलते हैं को ड्राइवर के लिए, SVMT में हमें नहीं मिलता है। पार्किंग असिस्ट हमें बाकी गाड़ियों में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, इमरजेंसी कॉल, OTA अपडेट भी हमें बाकी गाड़ियों में मिलते हैं, SVMT में नहीं मिलते हैं। रिमोट AC ऑन ऑफ वाया ऐप हम सिर्फ होंडा एलिवेट VCVT वेरिएंट में मिलता है, बाकी गाड़ियों में हमें नहीं मिलता है। रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप हमें होंडा एलिवेट SVMT में नहीं मिलता है, बाकी सब गाड़ियों में मिल जाता है। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप भी, एलेक्सा कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमें SVMT में नहीं मिलती हैं, बाकी तीनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमें सिर्फ और सिर्फ होंडा एलिवेट VXMT में मिलता है। लेदर रैप्ड गियर नॉब भी हमें सिर्फ होंडा एलिवेट VXMT में मिलता है। एडजस्टेबल ORVMs की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं हमें बाकी तीनों गाड़ियों में, और होंडा एलिवेट VXMT में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रेक्टेबल ORVM मिलता है। रेयर वाइपर हमें सिर्फ और सिर्फ होंडा एलिवेट VXMT में मिलता है। इंटीरियर डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो पेंटेड आते हैं हमारे होंडा एलिवेट SVMT में, बाकी तीनों गाड़ियों में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। सनरूफ की बात करी जाए तो VXMT वेरिएंट में हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, बाकी तीनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी हमें सिर्फ VXMT वेरिएंट में मिलते हैं, बाकी तीनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। फॉग लाइट्स हमें VXMT वेरिएंट में LED मिलती हैं। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग की बात करी जाए तो VXMT वेरिएंट में हमें फुटवेल लैंप्स मिलते हैं, बाकी तीनों गाड़ियों में हमें एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग नहीं मिलती है। रियर रीडिंग लैंप हमें सिर्फ और सिर्फ VXMT में मिलता है, बाकी तीनों में नहीं मिलता है। एवरेज स्पीड इंडिकेटर भी हमें सिर्फ VXMT में मिलता है। गियर इंडिकेटर हमें VCVT में मिलता है, बाकी तीनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार्प्ले हमें तीनों गाड़ियों में मिलता है, SVMT में नहीं मिलता है। डिस्प्ले की बात करी जाए तो SVMT में नहीं मिलता है, बाकी तीनों में वो टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम भी हमें SVMT में नहीं मिलता है, बाकी तीनों में मिल जाता है। स्पीकर्स, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, USB, ये सारी चीज़ें हमें SVMT में नहीं मिलती हैं, बाकी तीनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। वायरलेस चार्जर हमें सिर्फ और सिर्फ VXMT में मिलता है, बाकी तीनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। कलर्स आप देख सकते हैं।